सो वायरल हिट एपिसोड 44 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोंजुन को पता चल जाता है कि 244 ने उसका सच्चाई हॉबिन को बताया था और हॉबिन को कॉल आउट करने के लिए बोला था और अब वो दोनों आमने सामने होते हैं। अब आगे दोस्तों मैं चाहता हूँ आप इन सारे वीडियोस को थोड़ा सा शेयर कर दो। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है, अब से एक घंटे के अंदर जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं उन सारे कमेंट्स को हार्ट और अगर अच्छा कमेंट हुआ तो रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से कमेंट करो अपना ओपिनियन या फिर कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, बताओ। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सियोंजुन को, वो उसको देखते हुए कहता है, तो फिर मैं तुम्हें क्या बताऊँ, 244 या फिर जिनहोली। ये सुन के उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, तुझे कैसे मेरा नाम पता है, बोल। पर सियोंजुन कहता है, तुझे क्या लगता है क्या सिर्फ मुझे इतना ही पता होगा। और तभी देखते हैं वो एक पेन ड्राइव को निकालता है और उसे दिखाने लगता है और कहता है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है तेरे खिलाफ। और तभी देखते हैं जिनहोली उसके मुंह पे एक जोर से मारता है और उसके हाथ से वो पेन ड्राइव छीनने की कोशिश करता है। पर तभी देखते हैं सियोंजुन उसके सर को पकड़ता है और वहीं पे टेबल पे जोर से मारता है। पर तभी 244 उसको पकड़ता है और उसे नीचे जोर से जमीन पे स्लैम करता है। फिर हम देखते हैं सियोंजुन भी अब उसका गला पकड़ता है, उसका शर्ट पकड़ता है और उसे वो जमीन पे स्लैम करता है। दोनों का ऐसे ही चलता रहता है। पर तभी देखते हैं सियोंजुन एक चॉपस्टिक को लेता है और उसकी आंखों के सामने लाके उसे मारने ही वाला है। पर तभी 244 यानी जिनहोली कहता है, हाँ मैं गलत था, मुझे नहीं पता था कि तुमको हमारे बारे में इतना सब कुछ पता है। मैं जू से बोल दूंगा तुम्हें हमारे साइड पे ले ले, उसके बाद तो सब कुछ हमारे बीच ठीक हो जाएगा, है ना। सियोंजुन उसके हाथ पकड़ के उसे उठाता है और कहता है, मैं कैसे मान लूं तेरी बात। वो कहता है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, तो इसके बारे में तुम चिंता मत करो। जितने भी ऑनलाइन के न्यूज है मैं उन सबको ध्यान में रखूंगा, उन सबको टेक डाउन करूंगा सिवाय भीट को छोड़ के। और तभी सियोंजुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, जिन्हो याद रखना मैंने तुम्हें बस इसलिए छोड़ दिया, इसलिए नहीं मारा क्योंकि अब भी तुम मेरे लिए काम के चीज हो। जिन्हो उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, सियोंजुन प्लीज अब ये जो गुस्सा है, चलो ये गुस्सा हम दोनों मिलके हॉबिन के ऊपर यानी वीट के ऊपर छोड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सारे जो ऑनलाइन के न्यूज थे, न्यूज आर्टिकल्स थे, वो सब कुछ अब डिलीट हो चुके हैं। सियोंजुन ये देखता है, बहुत खुश होता है और सोचता है, चलो सब कुछ अब प्लान के हिसाब से चल रहा है। न्यूज आर्टिकल्स वो डाउन किया गया है, जर्नलिस्ट जो कि मेरे घर के आसपास थे वो अब जा चुके हैं, अब सही टाइम है पब्लिक सपोर्ट को जीतना ही होगा। तभी देखते हैं वो तैयार होता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हॉबिन को स्नेपर चिल्लाते हुए कहता है, वो स्ट्रीमिंग कर रहा है। ये सुन के हॉबिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या। स्नेपर उसे दिखाता है सियोंजुन लाइव स्ट्रीम कर रहा है। हम देखते हैं सियोंजुन लाइव स्ट्रीम करते हुए सबको सब कुछ बताने लगता है कि सब कुछ जो भी उसके बारे में फैला था, जो भी न्यूज फैला था, वो सब कुछ झूठ था और सब कुछ एक झूठी कहानी थी और वो उन सब के अगेंस्ट अब काम करेगा, उन सब के अगेंस्ट कोर्ट में जाएगा जो भी उसके बारे में ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाया था। तभी हॉबिन को देखते हैं सामने देखते हुए वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। हम सियोंजुन को उसका बाल खोलते हुए देखते हैं और तभी वो अपने बाल काटते हुए कहता है, मैं सियोंजुन भी एक अब वैसा ही हूँगा, वैसा ही रहूँगा जैसा कि मैं शुरू में था। ये देख के सारे कमेंटेटर, सारे सब्सक्राइबर्स अब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। स्नैपर गिउल वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। गिउल कहती है, उसे गलत कहा गया क्या, इसीलिए उसने अपना बाल काटा है। पर तभी हॉबिन सोचता है, नहीं, वो अपने बारे में लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा एक क्लियर मैसेज सबको बता रहा है, क्लियर जेस्चर जिससे कि सबको प्रूव कर सके कि वो सही है। और इसी के साथ हम देखते हैं सारे सब्सक्राइबर्स अब उसके तरफ आ चुके हैं, उसके सारे फैन अब उसके तरफ आ चुके हैं। जिन लोगों ने भी उसके खिलाफ वीडियो बनाया था सब ने उससे माफी मांगा है, सब अब पीछे हट रहे हैं। ये देख के हॉबिन भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है, क्या मैं करूँ, क्या मैं इस कंट्री को छोड़ दूँ। नहीं, अब हम देखते हैं हॉबिन को सारे लोग गाली देने लगते हैं, उसको अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम मिस्टर जू को देखते हैं जो कि ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके हैं और कहता है, क्या नाम था, हॉबिन। अब तो उसके लिए ट्रबल्स बढ़ने वाले हैं, सियोंजुन अब फिर से पब्लिक की ट्रस्ट जीत चुका है। मिस्टर जू कहता है, तुमने उसकी मदद की है ना जिन्हो, पर तुमने तो कहा था हम उसे डीच करने वाले हैं। जिन्हो हंसते हुए कहता है, बिल्कुल हम करेंगे मिस्टर जू, पर
हम ये बहुत स्लोली करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसको हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा पता है। उसका फोकस हमें किसी और तरफ शिफ्ट कराना होगा, मतलब भीट की तरफ। हम उसको जरूर डिस करेंगे, पर तब जब उसका टारगेट भीट होगा, हम नहीं। वो कहते हैं, तब तक मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, भीट यानी वो बच्चा हॉबिन वो अपने आपको अब कैसे संभालेगा। ये सुन के वो कहता है, अरे आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हॉबिन के पास एक तुरुक का इक्का है। तभी देखते हैं हॉबिन को। हॉबिन किसी को देखते हुए कहता है, मैं ऐसा तुम्हें करने नहीं दूंगा, ये तुम और तुम्हारे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। पर तभी वो बंदा कहता है, नहीं मुझे ऐसा करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। और तभी देखते हैं कोई वीडियो में कहने लगता है, बहुत दिन हो चुके हैं सबको, है ना। पर उसे सामने देखते हुए हम देखते हैं सियोनजुन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो मज़े के लिए, वो अपने खुशी मनाने के लिए ड्रिंक करने ही वाला था। पर तभी हम कैमरे में यानी वीडियो में और कोई नहीं बल्कि योनजी को देखते हैं। उसे भीट के चैनल में देख के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। सभी के मन में क्वेश्चन आने लगते हैं और क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या उसने यूट्यूब छोड़ दिया था ना, पर वो हॉबिन के चैनल पे या फिर हॉबिन के बाप पे क्या कर रहा है। और अब हम देखते हैं योनजी सब कुछ कहने लगता है, मैं यहाँ पे आज हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ बताना है सियोनजुन के बारे में। आपको तो याद ही होगा कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल पर अटैक हुआ था। पता है आपको उस अटैक के लिए सियोनजुन रिस्पॉन्सिबल था। यह सुनते ही हम सियोनजुन की फेस देखते हैं जो कि पूरी तरह से पीला पड़ जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोचता है, क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तुम्हारी डैड है ना। योनजी कंटिन्यू करते हुए कहता है, सियोनजुन भीएक ने बार बार उन्हें ब्राइब्स देने की कोशिश की है, घूस देने की कोशिश की है और घूस दिया भी है, पर जब उसके एक रिक्वेस्ट को उन्होंने नहीं माना था तब सियोनजुन ने उन पर हमला कराया था। पर सब्सक्राइबर्स और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि योनजी ये बात क्यों कह रहा है, आखिर उससे सियोनजुन का क्या कनेक्शन या फिर उन लोगों का क्या कनेक्शन है। योनजी फिर से कंटिन्यू करता है और कहता है, डेप्यूटी चिप जी, उनको सियोनजुन के बारे में पता था, उनको पता था कि सियोनजुन इसके पीछे था, पर फिर भी वो चुप रहे क्योंकि इन सब में वो भी फंसते, इतने दिनों से घूस जो ले रहे थे। हम लोगों ने पुलिस के पास एक एविडेंस को भेज दिया है, वो लोग अब जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। और आप लोगों के मन में अब बहुत से क्वेश्चन आ रहे होंगे, शायद कह रहे होंगे कि एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट को इसके बारे में कैसे पता है। मैं आपको बता दूं कि जिस बंदे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वही करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल, वही मेरे पिता है। ये कहते हुए हम देखते हैं वो रोने लगता है और सोचता है, आई एम सॉरी डैड, मुझे ये करना ही था। उसके डैड को देखते हैं, ये सुन के वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, तुमने सही किया मेरे बेटे। अब हम देखते हैं ये न्यूज़ चारों तरफ फैल जाता है, सब लोग इसके बारे में बातें करने लगते हैं। सियोनजुन ये न्यूज़ देखता है और पूरी तरह से दंग रह जाता है। उसके हाथ में जो बोतल था वो भी नीचे गिर जाता है, टूट जाता है, क्योंकि अब उसके पीछे पुलिस पड़े हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं, ये देख के मिस्टर जू बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और खुश होते हुए कहता है, ओह तो ऐसे होता है सब कुछ, सियोनजुन के लिए ख़त्म, ठीक ही है, अब वो प्रिजन में जाएगा और कभी भी सूरज का रोशनी नहीं देख पाएगा, ऐसे हमें मिल जाएगा उससे छुटकारा। और वैसे भी ठीक ही है, हमारे जैसे दुनिया में सियोनजुन जैसे क्रिमिनल को बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, वो भी एक ऑनरेबल पर्सन की तरफ बिल्कुल नहीं। जिन्हो उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, एग्जैक्टली आपने सही कहा। तभी जिन्हो के फोन पे सियोनजुन भी एक कॉल करता है और ये देख के मिस्टर जू कहता है, अरे अब मुझे दे दो फोन, मुझे दे दो, मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे ये डील करना चाहिए। और तभी फ़ोन पे कहता है, ये मैं हूँ मिस्टर जू। सियोनजुन को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और कहता है, हेलो ये सियोनजुन है, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ ये सारे न्यूज़ के बारे में, क्योंकि। पर तभी फ़ोन पे दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, यू बास्टर्ड। ये सुनते ही हम देखते हैं सियोनजुन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। मिस्टर जू गुस्से में कहने लगता है, यू पीस ऑफ शीट, तुमने मिस्टर जी पर हमला करने के बारे में, अटैक करने के बारे में सोचा भी कैसे, तुमको ऐसे ही मरना चाहिए, यू याकुजा सोन ऑफ अ बीच। और उसके बाद तू चाहता है कि मैं तुझे पॉलिटिक्स में लाऊं, तुझे एक पॉलिटिशियन बनाऊं, बिल्कुल नहीं, तू एक बुद्धू है बुद्धू। ये सोचना कि तू अब एक पॉलिटिशियन बन सकता है, एक याकुजा मेंबर होने के बाद भी तू एक पॉलिटिशियन बन सकता है, अब बेकार है, भूल जा इन सब के बारे में। ये सुन के जैसे कि सियोनजुन सब कुछ खो देता है, जो कुछ भी था उसके लिए, एक अच्छा रेप्यूटेशन, एक अच्छा यूट्यूबर और एक अच्छा कोरियन सिटीजन, सब कुछ अब उसके लिए खो चुका है। उसके बाह पे पुलिस आ चुके हैं, वो उसको ढूंढने लगते हैं, पर तब जब सामने देखते हैं वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सामने वहाँ पे उसका टूटे बॉटल,
और उसके फोन के अलावा और कुछ भी नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हॉबिन यो की कंपनी यानी उसके ऑफिस के सामने। तभी स्नैपर गेट खुलता है और कहता है लगता है कि खाना आ चुका है, पर तभी देखते हैं उसके फेस पे एक बहुत जोरदार पंचाके लगता है। उसे कोई बंदा आके जोर जोर से मारने लगता है, उसका बहुत सारा खून निकले जा रहा है। तभी मानगी भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए आगे आता है और कहने लगता है फ्राइड चिकन खाना अब आ चुका है। पर तभी जब वो सामने देखता है, सामने से आवाज आता है मैं कोई डिलीवरी गाय नहीं हूँ, लगता है कि मैं राइट प्लेस ढूंढ चुका हूँ, सारे हॉबी न्यू कंपनी के मेंबर्स अब यहाँ पे आ चुके हैं। मानगी सामने देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, पर सामने से वो बंदा कहता है क्या तुम्हें पता है क्या होता है जब किसी के पास और कुछ भी खोने के लिए नहीं होता। मैं यहाँ पे तुम लोगों से फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पे तुम लोगों को मारने के लिए आया हूँ। तभी हम वहाँ पे और कोई नहीं सियोनजुन को देखते हैं, जो कि सामने देखते हुए गुस्से में ये कहता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें सैमडेक की आवाज सुनाया जाता है। वो कहता है ये एपिसोड हाईली एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें तुम सीखोगे कैसे एक जूडो फाइटर को हराया जाता है। हम देखते हैं हॉबिन ये सब देख रहा था। सैमडेक कहता है जूडो जो कि 1982 में क्रिएट हुआ था जापान में। हॉबिन सोचता है मैंने हर वो चीज मेमोराइज कर ली है, मैं ये सारे वीडियोस देख रहा हूँ, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, क्योंकि मेरा अगला ओपोनेंट हो सकता है सियोनजुन हो, क्योंकि वो एक जूडो फाइटर है, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत होगा क्योंकि वो तो जल्द ही प्रिजन में जाने वाला है। पर तभी सामने से उसे बहुत जोर से आवाज आता है, वो सामने देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है क्या चल रहा है बाहर से, ये कैसा साउंड आ रहा है, हे क्या कोई आया है हमारे यहाँ पे, क्या कोई विजिटर। पर तभी देखते हैं बाहर सियोनजुन मानगी के मुंह पे एक बहुत जोर से पंच मारता है, जो कि बहुत जोरदार साउंड करता है, मानगी के नाक से खून बह रहा है। मानगी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ये देख के हम देखते हैं सियोनजुन कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा सॉलिड हो। पर मानगी सोचता है सियोनजुन भी एक वो एक जूडो फाइटर है राइट, और उसके बाद वो याकुजा गैंग में भी था, पर क्या मेरे लिए जूडो इतना स्कैरी होना चाहिए, मैं तो आराम से हरा सकता हूँ। ये किस तरह का मार्शल आर्ट है जिसमें कि अगर उनके ओपोनेंट्स उनसे हेवी होंगे वो उनके लिए सबसे ज्यादा वीक पॉइंट्स होंगे। आई डाउट कि वो अपने जूडो टेक्निक्स मेरे खिलाफ यूज करेगा, इसका मतलब बस वो एक ही चीज कर सकता है, हम दोनों के बीच डिस्टेंस बनाए रख सकता है, पर मैं कर सकता हूँ बॉक्सिंग। और तभी देखते हैं वो बॉक्सिंग करते हुए आगे जाता है, सियोनजुन को मारने की कोशिश करता है, पर सियोनजुन उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए जाता है, पागलों की तरह हंसे जा रहा है जैसे कि अब इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी नहीं रखा है। पर मानगी इस तरफ सोच रहा है क्या हो रहा है, वो हर एक अटैक से बच कैसे पा रहा है और वो मेरे क्लोज क्यों आ रहा है। तभी देखते हैं सियोनजुन को वो उसकी तरफ भागते हुए जा रहा है। मानगी ये देख के कहता है मुझे पता है वो क्या सोच रहा है, शायद वो ये देखना चाहता है कि कौन ताकतवर है, पर मैं उसे दिखाता हूँ कि कौन ताकतवर है। वो उसको पकड़ने के लिए जाता है, पर तभी देखते हैं सियोनजुन उसके बॉल्स पे यानी उसके पैरों के बीच बहुत जोरदार नी स्ट्राइक करता है, जिससे मानगी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो वहीं पे बेहोश होने ही वाला है और सोचता है नहीं मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सियोनजुन कहता है ये वही स्पॉट है ना जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है, ये नेचुरल है, मुझे लगता है कि तुम एक चैंपियन तो बिल्कुल नहीं हो। और तभी देखते हैं उसका गला पकड़ के वो फिर से उसके वही स्पॉट पे मारता है और बार बार मारता ही रहता है। मानगी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब होते जा रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं वो मानगी की आंखों में उंगली घुसा देता है और वहां पे भी प्रेशर मारता है। मानगी की हालत अब बहुत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। सियोनजुन कहता है सब कोई कहते हैं तुम अपने ओपोनेंट के खिलाफ फाइट आसानी से जीत सकते हो अगर तुम अपने ओपोनेंट्स के प्रेशर पॉइंट पे मारोगे, पर पता नहीं लोग इसे यूज क्यों नहीं करते, ऐसा करते क्यों नहीं। मानगी सोचता है नहीं मुझे कुछ करना ही होगा, और उसको ग्रैब करने के लिए वो आगे जाता है, पर तभी देखते हैं सियोनजुन उसको पकड़ के उसे एक जोरदार जूडो स्लैम करता है, जिससे मानगी वहीं पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद देखते हैं सियोनजुन उसे खींच के घर के अंदर लाता है, वहां पे हम मानगी की बहुत सारा खून भी देखते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो आके फ्रिज खोलता है, वहां पे एक बियर का कैन था, वो उसके फेस पे जोर से उस बियर का कैन को मारता है, जिससे मानगी का बहुत ज्यादा खून वहां पे निकल आता है। हमें सियोनजुन को दिखाया जाता है वो बिल्कुल पागल हो चुका है, जैसे कि अब उसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ देर बाद देखते हैं वो उस बियर के कैन को खोलते हुए कहता है बाय द वे तुम लोग तो माइनर हो ना, तो फिर इन माइनर्स के फ्रिज में
ये बियर का कैन क्या कर रहा है? पता है तुम्हें ये बहुत ज्यादा अनफेयर है। मैं अपनी पब्लिक इमेज के लिए बियर पीना, अल्कोहल पीना भी छोड़ दिया हूँ। वैसे क्या तुमने अपना नोज ड्रॉप गैंगनम में कराया था ना? वैसे गैंगनम बहुत ज्यादा अच्छा है। हम मानगी की नोज ड्रॉप कराया हुआ जो पिन था उसको बाहर देखते हैं। सिरंजुन कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं वहाँ पे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता था, पर क्यों, ना जाने क्यों मैं ऐसा बन चुका हूँ। ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से है, सब कुछ। वैसे तुम लोग मुझसे माफी मांग सकते हो, पर तभी देखते हैं यौन आता है वहाँ पे। ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और गुस्से में कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो। पर और कुछ कहता उससे पहले हम देखते हैं सिरंजुन उसके पेट पे जोरदार एक पंच मारता है और कहता है, यौनु हम लोग एक साथ में थे ना। यौनु को देखते हैं वो उसकी उस पंच को आसानी से सरवाइव कर लिया है और सोचता है मैं इस दर्द को सह सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो उसे पंच मारने के लिए जाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल हम एक साथ थे, पर अभी मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है। वो उसे मारता उससे पहले ही देखते हैं जो बियर सिरंजुन पी रहा था उस बियर को वो उसके फेस पे फेंकता है जिससे उसकी आंखें बंद हो जाता है। और तभी देखते हैं सिरंजुन उसको पकड़ता है और फिर से जूडो स्लैम मारने के लिए जाता है। यौनु सोचता है, ए शोल्डर थ्रो, मुझे लगता है कि मैं इसे इंडोर कर सकता हूँ। पर तभी सोचता है, पर क्या मैंने कभी अपने बैक को ट्रेन करा है। तभी देखते हैं उसका बैक, उसका पीठ जाके जो टेबल था उसके कॉर्नर पे लगता है जिससे यौनु की हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। वो दर्द से वहीं पे चीखने लगता है। सिरंजुन अब जोर जोर से कहने लगता है, तुमको शायद ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। अगर तुमको मुझे एक्सपोज करना ही था तो कुछ दिन बात करते जब मैं एक पॉलिटिशियन बन चुका होता, मुझे और थोड़ा सा लैडर क्लाइंब करने देते और थोड़ा सा। तुमको जो पसंद है वो ही कर रहे हो, जिसको कि तुम पसंद करते हो, कराटे। पर मेरा क्या, क्यों लोग मुझे मैं जो करना चाहता हूँ वो करने नहीं देते। तभी देखते हैं वो उसे एक नुकीले चम्मच से मारने ही वाला होता है। तभी वो सामने देख के हैरान होता है और कहता है, व्हाट द हेल, ये करने के लिए अब बहुत ज्यादा लेट नहीं हो चुका है स्नैपर? क्या तुम इसे एक एविडेंस के तौर पे रखना चाहते हो या फिर तुम इसे लाइव स्ट्रीम कर रहे हो? क्या ये बेस्ट नहीं होगा कि तुम इन सबको अब फिल्म ना करो? व्हाट अ प्रोफेशनल। पर तभी स्नैपर कहता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, ये मेरा जॉब है। और तभी देखते हैं वहाँ पे हॉबिन आ चुका है। स्नैपर की हालत खराब होते हुए भी वो अब लाइव स्ट्रीम करे जा रहा है। सिरंजुन उसे देखता है और कहता है, तो तुम यहाँ पे आ चुके हो, शायद पता है ये हमारा डेस्टिनी है कि हम दोनों को एक दूसरे का सामना करना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है हॉबिन, वैसे क्या ग्रेट एंट्रेंस मारा है तुमने? क्या यही रीजन है तुम्हारा चैनल इतना ज्यादा पॉपुलर है? और तभी गुस्से में कहने लगता है, एक स्टेप बस, और एक स्टेप चाहिए था मुझे, उसके बाद मैं कर सकता था, मैं सब कुछ हो सकता था जो कि मुझे चाहिए था। क्यों तुमने ऐसा किया, बताओ मुझे हॉबिन, कुछ तो कहो तुम। हॉबिन के हाथ में हम देखते हैं ससमे ऑयल को। वो उस ऑयल को अपने ऊपर डाल लेता है और कहता है, सिरंजुन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। हॉबिन कंटिन्यू करता है और कहता है, क्या अब कोई पॉइंट बचा हुआ है, कोई भी पॉइंट? आखिर किस तरह की आंसर तुम्हें चाहिए, बताओ मुझे। बिल्कुल मेरे जैसा तुमको भी बता था कि हम दोनों का लड़ाई होना तय था। और सोचता है, सिरंजुन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एक जूडो फाइटर को हराते हैं। सो क्या हॉबिन उसे हरा पाएगा, अब क्या होगा, क्या सिरंजुन जेल जाएगा या फिर कुछ और होने वाला है? अगर आपको देखना है प्लीज सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सबको दिखाओ यार। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।